बाबा रामदेव की तरह नहीं है वो, बदल गए। चाबी हमारे पास है, ये बाबा रामदेव को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हो? नहीं बाबा रामदेव दावा दिल के बनवावे के पड़े, रामदेव बाबा से कह के एक दिल के दवा भी बनाते बनवाने लगे पब्लिक का। तो एक बात बताओ, दिल के रोगी तो सब है ना, मरीज रहे हैं, दिल का इलाज तो कभी होता नहीं रहा है। क्या लगा बाबा को ऐसा जो उतने दूर से मणिपुर से चल के यहाँ पहुंच गए हैं बाबा, पूर्णिया इनसे पहले जानते हैं बाबा, क्या लगा आपको यहाँ पे आने के बाद? देखो बेटा, मेरा जन्म 8 सितंबर को है जी। पिछले बार राहुल गांधी ने जब है ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी, उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन उस समय मैं सम्मिलित नहीं हो सका था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो इस बार मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर मुझे जाना है, तो मैं महाराष्ट्र से बनारस, बनारस से है ना कलकत्ता, कलकत्ता से हवाई उड़ान भरते हुए हम इम्फाल पहुंचे, और इम्फाल वहाँ बहुत ठंड है, ठंड तो तुम्हारे है ना यहाँ पूर्णिया में भी कोई कम नहीं, 6 तक का टेम्परेचर है। मैं सवेरे एक है ना हमारे गायकवाड़ कह करके, श्याम गायकवाड़ महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता, उनको बोला तो मुझे है ना बोलने में कंपन महसूस हो रहा था। तो ये अपने देश की लड़ाई है, जैसे अंग्रेजों के साथ हम लड़े और उसमें हम जीते, तो अंग्रेजों से भयंकर लड़ाई है। मैं लोगों को ये संदेश दूंगा कि इस बार बीजेपी को वोट ना दे, बेशक बाद में है ना चुनाव में जिताते देते रहे, लेकिन आरएसएस, अडानी और गुजरात की चौकड़ी, चांडाल चौकड़ी, धाम दो हमारे दो जिसको राहुल कहते हैं, ये इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, इनसे बचना चाहिए। सर जिसे जिस आपसे बोले कि बीजेपी को वोट नहीं देना, आखिर क्यों नहीं देना चाहिए बीजेपी को वोट? सर एक है कि बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है। बीजेपी को वोट आप देते तो है ना अटल बिहारी को देते, बीजेपी को वोट देते तो आडवाणी को वोट देते, बीजेपी को वोट देते तो है ना शिवराज सिंह को देते, बीजेपी को वोट देते तो है ना वसुंधरा राजे को देते। लेकिन आप वसुंधरा राजे के बाद या शिवराज सिंह के बाद ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, सिर्फ है ना वो जाति के नाम से जाति के वोट बटोरना है। इसके पहले है ना जो राष्ट्रपति थे वो दलित नाम से थे, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्हीं के समय में एक बच्ची दलित है ना उसको जलाया जाता है, उस पर राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलता है। अब है ना हमारी द्रौपदी मुर्मू है, अपने रूप में आदिवासी चेहरा है, लेकिन आदिवासियों की जन्म जमीन हड़प करके वहाँ है ना अडानी अपना पोस्टपाटा खड़ा कर रहा है। तो ये है ना लोगों का यूज एंड थ्रो, यही है इन लोगों की चांडला चौकटी की योजना है। और अपने रूप में जब से मोदी आए हैं पैसे वालों को पकड़ा है, और यहाँ तो हर चीज बिकती है, बोलो क्या क्या खरीदोगे? लोकतंत्र को इन्होंने है ना जितने भी है ना चुनाव में हारी लोगों को खरीद करके सरकार बना दी, ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलने वाला है। तो इसलिए है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है, और इस संविधान लोकतंत्र के दुश्मन है, ये मैं बात। सर ये बताइए कि आप बाबा ये हमें बात बताइए कि आप उतना दूर से चल के राहुल गांधी आप क्या देखे, जो उतना दूर से चल के पूर्णिया रणभूमि मैदान में पहुंच गए राहुल गांधी को यात्रा देखने के लिए? एक बात है, राहुल गांधी है ना आत्मा की बुलंद आवाज में बोलता है। इस देश में है ना असली जो चीज है अडानी है, अडानी पूरे देश को है ना अपन मतलब है ना पेट में डालना चाहता है, सर्वसामान्य लोगों की समस्याओं का उसमें रूप नहीं है। मोदी के समय में ये जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ये लोग चुना लगा करके चले गए, उनके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं गई। अपने रूप में मनमोहन सिंह के समय में ऐसी बात होती थी, कलमाड़ी को, डी राजा को जेल दिया जाता था। इनकी कथने और करने में अंतर है। ये अडानी का है ना या उस तरह के जितने पैसे वाले धन्ना सेठों का कर्जा तो माफ करते हैं, लेकिन गरीब किसानों को माफ करने की बात नहीं होती। किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है, झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। तो हमारे देश का वाक्य घुसवा के सत्य में जीते। मोदी सरकार तो बोला था कि बाबा के सभी जितने भी गरीब है उनके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपके खाते में 15 लाख आए हैं क्या, मुझे पूछता हूँ? तो ऐसा है, 2 चुनाव तो हो गए, 30 लाख तुम्हारे खाते में आने चाहिए। अब अगला चुनाव होगा 45 लाख तुम्हारे खाते में आना चाहिए। जो 15 पैसे फूटी कौड़ी तुम्हारे खाते में नहीं डालता है, मुझे लोग बोलते हैं मोदी का विकल्प बताओ, एक चाय पीने पिलाने वाला विकल्प हो सकता है तो तुम विकल्प क्यों नहीं बन सकते हो? हमें दूसरे के हाथ सामने हाथ है ना, तुम्हें 5 किलो अनाज मिलने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, रोजगार मिलेगा
तो तुम परिवार चला सकते हो, सब चला सकते हो। इसलिए है ना, हमें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजली पानी इस पर बात करना चाहिए। ये राजनीति है ना, संप्रदाय और जातिवाद पर नहीं चलनी चाहिए। जो मोदी चलाता है, बीजेपी चलाती है, उसके हम खिलाफ है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस, ये कांग्रेस भी आगे चल के ऐसा करेगा या नहीं करेगा? एक बात है, हम है ना, कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन आने वाला जो रूप है ये हमारे देश के लिए है ना, एनडीए से संभावना है। कांग्रेस ने, कांग्रेस के समय में इतना कुछ घपलेबाजी वाला रूप नहीं रहा जितना है ना बीजेपी के समय में रहा। अपने रूप में है ना, 15 लाख खाते में डालने वाली बात थी, वो तो डाली नहीं गई। अपने रूप में भ्रष्टाचार दूर करने की बात, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाएंगे खाने देंगे लेकिन पता नहीं चलने देंगे, ये बीजेपी की पॉलिसी है। इस आपको मालूम है, कहीं भी काम करना होता छोटा मोटा आपको देना पड़ेगा। और इन्होंने ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, पहले कांग्रेस के सरकार में इन पर एक्शन हो जाती थी कर्मचारियों पर, आप कर्मचारियों पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, किस तरह की बातें है ना। इसका मतलब पूरा है ना हिटलर शाही चलाएंगे और तुम्हारा गला घोटेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो क्या लगता है बाबा 2024 में किसका सरकार बनेगा? 2024 में निश्चित रूप से इंडिया की सरकार बनेगी। और इसमें से है ना, आप देखते हैं इसके पहले इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्री की कोई संभावना नहीं थी, देवेगौड़ा की प्रधानमंत्री के रूप में संभावना नहीं थी, अपने रूप में मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री के बनने की संभावना नहीं थी। तो इस देश में संभावनाएं बहुत है, इसीलिए मोदी का विकल्प बताओ ये मूर्खता वाला सवाल है, ये पूछना ही नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप तो उससे बहुत अच्छी स्थिति वाले हो। और ये तो इतना इतना झूठ बोलता है, इसको इतिहास का नॉलेज नहीं। मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, हजारों इसने झूठ बोले, इतिहास कहीं का कहीं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ये मेरा पढ़ा लिखा 7वीं 8वीं पास बच्चा जो नॉलेज रखता है ना, वो भी नॉलेज मोदी को नहीं। अच्छा बाबा, आप ये कैसे कह सकते हैं 2024 में आप कि एनडीए का ही सरकार बनेगा? देखो, मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड से गुजरात, पूरे देश में घुमा हूँ। तुम तो है ना वो टीवी वगैरह देखते हो, मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। आखिर क्यों नहीं आप टीवी देखते बाबा? हाँ, तू कबीर कहता है, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं आंखों का देखता हूँ, आंखों के देखने में और टीवी में है ना जमीन आसमान का अंतर है। टीवी पर झूठ परोसा जाता है, इसीलिए है ना रविश कुमार जैसे लोगों को है ना आगे आना होता है। और रविश कुमार के फॉलोअर्स बहुत बड़े, अडानी ने उसको खरीद लिया तो भी लोग है ना सत्य न्याय धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आज भी है ना लोगों के अंदर है ना वो भावना जीवित है। और उसके आधार पर मैं कहता हूँ, मैं कर्नाटक में था, कर्नाटक में भ्रष्टाचार चल रहा था और हमने कैंपेन चलाया कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए। उसके आधार पर है ना 65 सीटें बीजेपी आई। कांग्रेस के लिए हमने 1-2-3 का सोचा था, उससे ज़्यादा उसको सीटें आई, क्योंकि जनता ने देखा कि देवेगौड़ा की सरकार को हम जिता देते तो बीजेपी से मिलकर के भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जनता ने उसको खटिया खड़ी कर दी। तो अब जनता में है ना ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी है। और जनता ही गला पकड़ेगी बीजेपी का और बीजेपी की हार निश्चित है। मेरा जैसे मैंने कर्नाटक के चुनाव में बोला था, 85 से 65 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं लड़ाएगी, 65-66 के बीच में वो आई थी। मैं जब से भारत में घूम रहा हूँ 88 से सीटें ज़्यादा बीजेपी को नहीं आएगी। और ये लोग अभी भी आया था 385 तक सीटें है ना ये इंडिया एयरलाइंस को दे रहे हैं और 113 कुछ सीटें है ना कांग्रेस को, बीजेपी को दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ 100 से ज़्यादा भी सीटें बीजेपी को नहीं आएगी। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जितने भी देश में हमारे देश में बाबा है सब बीजेपी में आई, आखिर क्यों है? एक बात है ना, मैंने ये कपड़े सिर्फ रंगा करके है ना, ये मुझे 125 करोड़ का एक आश्रम ऑफर आ रहा था, लेकिन मैं सिद्धांत तत्वों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसीलिए सन्यासी का मतलब क्या है, पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा सर्वमया परित्यक्ता। जन जन के लिए काम करना, सर्वसामान्य काम करना, उसके लिए सन्यासी होता है। सन्यासी अपने पेट, मैं तो है ना चिलमची नहीं हूँ, मैं तो चाय भी नहीं पीता हूँ। हम कहते हैं
कि इन सब व्यसनों से दूर रहना चाहिए। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सर्वमय पर सबसे दूर होना चाहिए और जनहित के लिए काम करना चाहिए। तो न तो हम काम ही राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग, न जो स्वर्ग नहीं चाहिए, न पुनर्भव, दोबारा अच्छे कुल में पैदा हूँ ये भी नहीं चाहता हूँ। काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाश्रम, आर्त दुखी प्राणियों के लिए मैं कुछ काम कर सकूं, इसके लिए है ना ये हमने काम किया है। तो उसके लिए मुझे है ना किसी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है ना स्वदेश पूजित है राजा, विद्वान सर्वत्र पूजित है, राजा की तो स्वदेश में ही पूजा होगी, मोदी को तो देश में ही पूजा होगी। हमारे जैसा व्यक्ति विश्व के कहीं भी कोने में जाएगा तो यही बात कहेगा। और लोग है ना गांधी को लोग है ना विश्व के मानते हैं, क्योंकि गांधी है ना तत्व की बात करता था, वैश्विक बात करता था, संकीर्ण बात गांधी में नहीं। न स्वल्प सुख मत, छोटे भी सुख नहीं, भूमा भी सुख, अपने आप को जितना बढ़ाओ उतना सुख है। लेकिन आज जैसे मान लीजिए अभी देश में विक्रमदेव बाबा बहुत चर्चित बाबा है, वो तो भी मैं बीजेपी में जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक बात है ना, बाबा रामदेव जो पहले थे दो बातों को काम कर लेके चलते थे। क्या अब अच्छा जैसे मान ले इससे पहले बाबा रामदेव थे तो क्या अब बाबा रामदेव की तरह नहीं है, ओके बदल गए? चाबी हमारे पास है। ये बाबा रामदेव को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हो? नहीं बाबा रामदेव को। एक बात है ना, बाबा रामदेव जो पहले थे दो चीजों पर काम करते थे, एक आयुर्वेद पर अच्छा काम किया, एक योगा पर ये अच्छा काम किया, उसी काम को उन्होंने करना चाहिए था। उस आधार पर है ना कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, उसका विरोध किया तो मुझे है ना कोई ठीक था। लेकिन यदि बीजेपी में भी भ्रष्टाचार है, बीजेपी में गड़बड़ है, उसके लिए भी बाबा को आवाज उठानी चाहिए थी, वो नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए बाबा के है ना मैं समर्थन में नहीं हूँ। और वो बाबा होता है जो सत्य के पक्ष में होता है, झूठ का साथ नहीं देता है, तो ऐसा रूप है ना वर्तमान में बाबा का नहीं दिखता है। तो आजकल है ना मैं नहीं कहता हूँ, हरियाणा वगैरह के लोग है ना बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहते हैं, ये पूरा व्यापार चल रहा है। हमारे एक और एमडीएच वाले रहे, उनका उद्देश्य था शुद्ध शुद्ध व्यापार करना, तो एमडीएच वाले जानते हो उनके एडवर्टाइज सुनते हो सच सच एमडीएच है ना, तो इनको सीधा इनको अपना नाम छोड़ करके व्यापारी धंधा करना चाहिए, बाबा बुबा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो रामदेव बाबा के नाम से म्यूजिक भी बनने लगा, दावा दिल के बनवावे के परे रामदेव बाबा से कह के एक दिल के दवा भी बनाते बनवाने लगे पब्लिक का। तो एक बात बताओ, दिल के रोगी तो सब है ना मरीज रहे हैं, दिल का इलाज तो कभी होता नहीं रहा है, तो ये हमारे यहाँ है ना अकामो धीर अमृत स्वयंभू रसेन तृप्त न कुतश्चनो न आत्मानम धीरम अजरम युवानम। जो आत्मा का धनी होता है ना अमृत होता है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। दिल के मरीज तो देखो ये मनमोहन जी अपना मोदी जी मन की बात कहते हैं ना, हम मन की बात नहीं करते हैं। मन क्या है, अनिश्चित की स्थिति होता है, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, बुद्धि निश्चयात्मिका होती, कल परीक्षा है, आपका मन करेगा मैं टीवी देखूं, सीरियल देखूं, या फिर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहा है उसको देखूं, बुद्धि क्या करती, नहीं कल 12वीं की परीक्षा है दोबारा नहीं आएगी, तो तू है ना टीवी मत देख, पढ़ाई कर। तो हम तो बुद्धि की बात करते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र में धियो योना प्रचोदयात्, परमात्मा हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर चला दे। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, बुद्धिस्तु परतस्त सा, बुद्धि के परे आत्मतत्व है। और आत्मा है ना संकीर्णता में सोच में नहीं डूबती है, उसकी विशाल सोच होती है, संकीर्णता उसका रूप है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे स्टार्टअप न्यूज बिहार, दिल की बात जनता के साथ।